एक घने जंगल में एक प्यारा सा खरगोश रहता था। वह रोज अपनी छोटी सी गुफा के पास खेलता और घास खाता था। एक दिन जंगल में घूमती एक चालाक लोमड़ी ने खरगोश को देखा। भूखी लोमड़ी ने तुरंत सोचा, आज तो मेरा पेट भर जाएगा। लोमड़ी धीरे धीरे खरगोश की तरफ बढ़ने लगी। खरगोश ने जब लोमड़ी को अपनी तरफ आते देखा तो डर के मारे कांपने लगा। पास के पेड़ पर एक बुद्धिमान कबूतर बैठा सब देख रहा था। उसने तुरंत समझ लिया कि लोमड़ी खरगोश को पकड़ने की योजना बना रही है। कबूतर ने सोचा, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो लोमड़ी इस बेचारे खरगोश को खा जाएगी। उसने अपनी चतुराई से योजना बनाई और जोर से आवाज लगाई, अरे लोमड़ी, तुम यहाँ क्या कर रहा है? गई और कबूतर की तरफ देखकर बोली, मैं तो यहाँ बस टहल रही थी। कबूतर हंसते हुए बोला, अरे मैं समझ गया, तुम तो शायद उस पेड़ के पीछे छिपे बड़े शेर से बचने के लिए इधर आए हो। कौन सा शेर? कबूतर ने चालाकी से कहा, अरे क्या तुम्हें नहीं पता, उस पेड़ के पीछे एक शेर है जो भूखा है। वह अक्सर इस इलाके में आता है, शायद वह तुम्हें भी देख रहा हो। लोमड़ी घबराकर इधर उधर देखने लगी और बोली, अगर यहाँ शेर है तो मुझे जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। लोमड़ी जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गई और खरगोश की जान बच गई। खरगोश ने कबूतर का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई। कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों की मदद करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अब तुम सतर्क रहना और कभी भी खतरे को नजरअंदाज मत करना।